स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। विधुना के विधायक विनय शाक्य, जिनके लापता होने की बात परिवार ने कही थी, उनका बयान सामने आया है। विनय शाक्य ने लापता या अपहरण की बात को गलत बताया और कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे। हालांकि अब तक मौर्य का खुद सपा में जाना साफ नहीं है। विधुना विधायक विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की सहमति जताई है। उन्होंने अपहरण होने की बात का खंडन किया है। विनय शाक्य का स्वास्थ्य खराब है और वो पैरालिसिस होने के कारण साफ बोल नहीं पाते। अस्पष्ट शब्दों में शाक्य ने सपा में जाने की बात कही। इतना ही नहीं, विनय शाक्य की माँ और भाई ने अपहरण की बात का खंडन किया है। उन्होंने विनय की बेटी रियो का वीडियो ही साजिश बता दिया है। क्या है पूरा मामला, अब आपको ये बता देते हैं। मौर्य के बीजेपी से इस्तीफे के बाद औरैया जिले के बिधुना सीट से भाजपा विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया का बयान आया था। इसमें रिया ने पिता के अपहरण की बात कही थी और आरोप पिता के भाई पर लगाया था। विनय शाक्य ने बेटी रिया के एक बयान जारी कर अपने ही चाचा देवेश शाक्य पर गंभीर आरोप लगाया था। कहा था कि उन्हें जबरदस्ती लखनऊ ले जाया गया है। रिया कहती है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विधुना वासियों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। आप सबको ज्ञात होगा कि मेरे पिताजी को कुछ साल पहले लकवा मार दिया था, जिसके बाद से वो चलने फिरने में असमर्थ है। उनकी बीमारी का फायदा उठाकर मेरे चाचा देवेश शाक्य ने उस वक्त से ही उनके नाम पर अपनी व्यक्तिगत राजनीति की और जनता का शोषण किया है। आज उन्होंने हद पार करते हुए जबरन मेरे पिताजी को घर से उठाकर सभा में शामिल करने के लिए लखनऊ ले गए हैं।